मित्रों नमस्कार, मैं आरएफ टेमरे आज पुनः आपके सामने इंग्लिश सब्जेक्ट लेकर उपस्थित हूँ। मित्रों आज की जो विषय वस्तु है वो है काइंड्स ऑफ नाउन अर्थात संज्ञा के प्रकार। पिछले वीडियो में आप लोगों को व्हाट इज द नाउन अर्थात संज्ञा क्या है और उसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको बताया था। मित्रों आज की जो विषय वस्तु है वो है संज्ञा के प्रकार अर्थात संज्ञा कितने प्रकार की होती है उसके बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं काइंड्स ऑफ नाउन अर्थात संज्ञा के प्रकार। पहला है प्रॉपर नाउन अर्थात व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है कॉमन नाउन अर्थात जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है कलेक्टिव नाउन अर्थात समूहवाचक संज्ञा, चौथा है मटेरियल नाउन अर्थात पदार्थवाचक संज्ञा और पांचवा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन अर्थात भाववाचक संज्ञा। मित्रों जो संज्ञा है अर्थात नाउन है उनको हम पांच भागों में बांटते हैं, पांच प्रकार की संज्ञा होती हैं। देखिए सबसे जो पहली संज्ञा है वो प्रॉपर नाउन अर्थात व्यक्तिवाचक संज्ञा। हम व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहेंगे या इस संज्ञा की श्रेणी में कौन कौन से नाम आएंगे उसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए इसके बारे में विवरण या परिभाषा हम कहें तो द नाउन विच डिनोट्स अ पर्टिकुलर नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस और थिंग कॉल्ड प्रॉपर नाउन। इसका हिंदी में देख लीजिए वह संज्ञा शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति स्थान या वस्तु के नाम को इंगित करता है या सूचित करता है व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। कहने का तात्पर्य है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा हम उसे कहेंगे जो किसी खास व्यक्ति को उस नाम का कोई दूसरा व्यक्ति स्थान या वस्तु न हो या किसी दूसरे व्यक्ति स्थान वस्तु को हम उस नाम से इंगित ना करें, केवल किसी एक ही वस्तु या व्यक्ति या स्थान को इंगित करे ऐसे नाम को हम प्रॉपर नाउन या व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। देख लीजिए नोट में क्या दिया है, वह नाम जो किसी एक व्यक्ति वस्तु या स्थान को सूचित करता है किसी अन्य दूसरे को नहीं व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। मित्रों आइए उदाहरण देखते हैं। मित्रों हम यहां देखते हैं उदाहरण एग्जाम्पल्स। पहला उदाहरण देखिए द बॉय इज रमेश अर्थात वह लड़का रमेश है। यहां पर देखिए जो रमेश शब्द है एक लड़के के नाम को इंगित कर रहा है सूचित कर रहा है, इसलिए इस लड़के के लिए जो शब्द रमेश आया है वो प्रॉपर नाउन है व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्योंकि किसी एक खास लड़के को ही हम रमेश नाम से इंगित कर रहे हैं, इसलिए रमेश शब्द क्या है प्रॉपर नाउन है। यहाँ पर जो बॉय शब्द है वो प्रॉपर नाउन नहीं है, इसके बारे में आगे जो अगला जो चैप्टर होगा कॉमन नाउन का उसके अंदर भी बॉय शब्द आएगा, इसमें प्रॉपर नाउन में केवल रमेश आएगा। दूसरा देखिए आई हैव गोन टू इंदौर अर्थात मैं इंदौर जा चुका हूँ। यहाँ पर देखिए हम किसी खास स्थान की बात कर रहे हैं इंदौर की अर्थात जो किसी खास स्थान अर्थात उसी का नाम है उसी स्थान का नाम इंदौर हो इंदौर है जिसके लिए हम जाने की बात कर रहे हैं, अतः यहाँ इंदौर जो शब्द है वो भी प्रॉपर नाउन है क्योंकि वो एक स्पेशल सिटी का ही नाम को सूचित कर रहा है। इधर देखिए दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, यहाँ पर देखिए दिल्ली और इंडिया अर्थात दिल्ली भारत की राजधानी है तो यहाँ पर दिल्ली और जो भारत है दिल्ली और इंडिया जो शब्द है ये प्रॉपर नाउन है व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्योंकि ये एक देश के नाम को सूचित कर रहा है और ये एक शहर के अर्थात एक राजधानी के नाम को सूचित कर रहा है। तो यहाँ पर जो कैपिटल शब्द है कैपिटल प्रॉपर नाउन नहीं है, ये कॉमन नाउन के अंतर्गत आएगा जो हम आगे पढ़ेंगे। आगे देखिए चौथा उदाहरण आई रीड रामायण एवरी डे अर्थात मैं रोज रामायण पढ़ता हूँ। तो यहाँ पर देखिए एक वस्तु अर्थात एक जो पुस्तक है रामायण, तो रामायण जो शब्द है वो प्रॉपर नाउन क्योंकि किस खास पुस्तक का नाम है रामायण, इसलिए यह भी जो है प्रॉपर नाउन अर्थात व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। मित्रों और हम अन्य उदाहरण देख लेते हैं प्रॉपर नाउन के। मित्रों अदर एग्जांपल्स में देख रहे हैं हम नेम ऑफ पर्सन अर्थात व्यक्तियों के नाम रमेश गीता मोहन जॉन राधा और जितने भी नाम है व्यक्तियों के जिनको हम उन्हीं के नामों उन व्यक्तियों को अलग एक अलग नाम से जानते हैं तो वे सभी जो है वो प्रॉपर नाउन अर्थात व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। फिर देखिए नेम ऑफ रिवर्स अर्थात नदियों के नाम जैसे गंगा यमुना नील, ये अलग अलग नदियों के नाम अलग अलग हैं तो ये जो नाम है ये नदियों के नाम प्रॉपर नाउन अर्थात व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। इसी तरह
देख लीजिए मित्रों, नेम ऑफ माउंटेन्स अर्थात पर्वतों के नाम, हिमालया, आल्पस, विंध्याचल, तो जितने पर्वत हैं इनको अलग अलग जिनके नाम हैं उन नामों को हम प्रॉपर नाउन अर्थात व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। इसी तरह आप जो बहुत सारे स्थान हैं इनको हम इंगित करते हैं खाड़ियों के नाम, समुद्रों के नाम, पुस्तकों के नाम, प्रसिद्ध इमारतों के नाम, महीनों के नाम, दिनों के नाम और अन्य नाम हो सकते हैं जिनका कोई खास उन्हीं के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ऐसे नामों को हम प्रॉपर नाउन अर्थात व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में रखते हैं। मित्रों, पिछले वीडियो में मैंने आपको नाउन के बहुत सारे उदाहरण बताया था, उन्हीं में से हम छाट करके कुछ संज्ञाओं को प्रॉपर नाउन के अंतर्गत रखते हैं और कुछ संज्ञाओं को कॉमन नाउन के अंतर्गत, कुछ को कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत, तो इस तरह मित्रों हम उनको अलग अलग भागों में बांटते हैं। अब हम आइए देखिए प्रॉपर नाउन के अंतर्गत जो कुछ नियम हैं कि प्रॉपर नाउन के किस तरह से प्रयोग होते हैं या उन उनमें किस प्रकार का प्रयोग किया जाता है, इसके बारे में हम थोड़ा आगे देख लेते हैं। मित्रों, प्रॉपर नाउन के प्रयोग संबंधी जो नियम है वो देख लें, तो रूल नंबर एक में देखिए कि प्रॉपर नाउन का प्रयोग वाक्य में किसी भी स्थान पर हो उसका पहला अक्षर कैपिटल लेटर होता है, अर्थात जब भी हम वाक्य बोलते हैं भाषा में तो उन वाक्यों को जब हम लिखते हैं तो लिखते समय हमको तो ध्यान रखना होता है कि प्रॉपर नाउन किसी भी स्थान पर आए, चाहे प्रारंभ में आए, मध्य में आए या अंत में आए, कहीं पर भी प्रॉपर नाउन आता है तो उसका फर्स्ट जो लेटर है उस वर्ड का, अर्थात प्रॉपर नाउन का जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल होता है अर्थात बड़ा अक्षर होता है। यहाँ उदाहरण देख लें कि राम गेव हरि अ बाल, अर्थात राम ने हरि को एक बाल दी, तो यहाँ पर देखिए राम तो प्रारंभ में आया, उसका जो राम भी यहाँ पर प्रॉपर नाउन है, हरि भी प्रॉपर नाउन है, तो यहाँ देखिए राम का जो पहला लेटर है वो कैपिटल अर्थात बड़ा अक्षर है, और यहाँ पर हरि जो मध्य में आया है वाक्य के तो भी यहाँ पर भी हरि में भी जो है वो कैपिटल लेटर है। यदि हम मान लो इसको ऐसा लिखते यहाँ पर कि तो ये गलत हो जाता, हम कभी भी मतलब नहीं, प्रॉपर नाउन कहीं पर भी आए उसको हम कैपिटल लेटर ही लिखते हैं। दूसरा उदाहरण देखिए, द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश इज भोपाल। अब यहाँ देखिए कि मध्य प्रदेश जो है वाक्य के मध्य में आया है तो ये भी प्रॉपर नाउन है, इसलिए इसका जो पहला लेटर है वो कैपिटल है, और यहाँ देखिए अंत में भोपाल शब्द आया है तो भोपाल शब्द का जो फर्स्ट लेटर है वो भी जो है कैपिटल है, भी यहाँ पर कैपिटल है। तो यह नियम हमको हमेशा याद रखना है मित्रों कि जब भी हम प्रॉपर नाउन का प्रयोग भाषा में लिखते समय करें, सेंटेंस लिखते समय करें, उस समय कहीं पर भी उसका प्रयोग हो तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। आगे देखिए दूसरा नियम क्या है कि प्रॉपर नाउन के पूर्व कभी भी ए एन या द आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता। एक नियम यह भी है कि कभी भी जो प्रॉपर नाउन है उनके नाम के आगे कभी भी मतलब आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता, कभी कभी अपवाद रूप द का प्रयोग होता है, वो हम आगे हम आपको बताएंगे। तो इधर उदाहरण देख लीजिए, जैसे मैं आपको बताऊं कि वी लिव इन एन बोले और द बोले, है वी लिव इन एन इंडिया या वी लिव इन द इंडिया, तो ये दोनों जो प्रयोग हैं वो कैसे हैं, गलत है, अर्थात ये वाक्य गलत होगा, जबकि हमको सही वाक्य क्या होगा कि वी लिव इन इंडिया, यहाँ पर कोई भी आर्टिकल, ये जो हमने आर्टिकल का प्रयोग किए हैं तो यहाँ पर कोई भी आर्टिकल का प्रयोग इसके आगे नहीं होना चाहिए, यह नियम है। अगला नियम देखिए मित्रों, हम आगे देखें तो द आर्टिकल का अपवाद स्वरूप कुछ जगह प्रयोग होता है वो देख लें। तुलनात्मक स्थिति में जब हम किसी चीज से तुलना करें या किसी दूसरे अन्य संज्ञा से तुलना करें, जैसे उदाहरण देख लें, कानपुर इज द मानचेस्टर ऑफ इंडिया, अर्थात यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो मानचेस्टर के लिए द का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर कानपुर से तुलनात्मक स्थिति होने की वजह से मानचेस्टर के आगे द का प्रयोग हुआ, अर्थात कानपुर कानपुर जो है वो भारत का मानचेस्टर है, इसका हिंदी में अनुवाद होगा। अब दूसरा उदाहरण देख लीजिए, द शेख अब्दुल्ला हैज वांट हिज पार्टी में, अर्थात यहाँ पर शेख अब्दुल्ला के सामने यहाँ पर द आर्टिकल का प्रयोग हुआ है विशेष स्थिति में कि द शेख अब्दुल्ला हैज वांट हिज पार्टी में, इसमें यहाँ पर जो शेख अब्दुल्ला है इसके नाम के आगे द आर्टिकल प्रयोग हुआ है। आगे देखिए हम कि नदियों, पहाड़ों, द्वीप समूहों, महासागरों, समुद्रों, खाड़ियों, प्रसिद्ध पुस्तकों, प्रसिद्ध इमारतों, कुछ प्रांतों तथा कुछ राज्यों के नाम के आगे भी द आर्टिकल का प्रयोग होता है। तो आपको याद रखना मित्रों ये कि भाई नदियों, पहाड़ों, द्वीप समूहों, महासागरों, समुद्रों, खाड़ियों,
खाड़ियों प्रसिद्ध पुस्तकों प्रसिद्ध इमारतों और कुछ प्रांत हैं कुछ देश हैं इनके नामों के आगे द आर्टिकल का प्रयोग होता है। आइए उदाहरण देख ले हम। मित्रों हम उदाहरण देखते हैं जहां द आर्टिकल का प्रयोग होता है। देखिए गंगा इज ए गंगा इज एन ओली रिवर, अर्थात गंगा एक पवित्र नदी है। यहां पर देखिए गंगा के आगे द आर्टिकल का प्रयोग हुआ है। देखिए द हिमालय इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया, अर्थात हिमालय भारत के उत्तर में अवस्थित है। यहां पर हिमालय के आगे भी द आर्टिकल का प्रयोग हुआ है। आगे देखिए तीसरा उदाहरण, द टीम ऑफ द वेस्ट इंडीज और द टीम ऑफ द ईस्ट इंडीज हैज कम, अर्थात ईस्ट इंडीज की जो टीम है वो आ चुकी है। तो यहां पर देखिए ईस्ट इंडीज एक देश है उसके नाम के आगे भी द आर्टिकल का प्रयोग हुआ। हम यहाँ वेस्ट कर सकते हैं, वेस्ट इंडीज, द टीम ऑफ वेस्ट इंडीज हैज कम, अर्थात वेस्ट इंडीज की टीम आ चुकी है। तो इस तरह और भी उदाहरण देखने मित्रों, यहाँ देखिए द इंडियन ओशियन, तो इंडियन ओशियन के आगे भी द आर्टिकल का प्रयोग हुआ है। द ब्लैक सी, काला सागर के आगे भी द आर्टिकल का प्रयोग हुआ है। द पर्सियन गुल्फ, द मतलब फारस की खाड़ी, इसके आगे द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। द महाभारत ग्रंथ के एक ग्रंथ का नाम है उसके आगे द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। द ताजमहल, द पंजाब, ये पंजाब जो है एक राज्य का नाम है, इसके आगे भी हम द आर्टिकल प्रयोग करते हैं। इसी तरह द यूएसए अर्थात यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसके आगे भी हम द का प्रयोग करते हैं। मित्रों इसके कुछ नियम हैं, जब मैं आर्टिकल का आपको चैप्टर पर चैप्टर अब आपको बताऊंगा जिस वीडियो में, उसमें उसकी मैं विस्तृत चर्चा करूंगा। तो मित्रों ये था प्रॉपर नाउन अर्थात जातिवाचक संज्ञा, इसके अंतर्गत मैंने आपको ये जानकारी दी। मित्रों आपको यह जानकारी ज्ञानवर्धक लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको आगामी वीडियो सहजता से प्राप्त होते रहें। मित्रों अगर वीडियो आपको अच्छा लगे इसको शेयर करें, लाइक करें। मैं अगली कड़ी में आप लोगों को कॉमन नाउन अर्थात संज्ञा के प्रकार के अंतर्गत कॉमन नाउन के बारे में आपको जानकारी दूंगा। आगामी समय तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, नमस्ते।